हिट एंड रन केस को लेकर के लगातार दूसरे राज्यों से अब खबरें आना शुरू हो गई हैं और बस चालकों का गुस्सा भी सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बस चालक इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या वो प्राण प्रतिष्ठा में अपनी योगदान देंगे या फिर उनका भी हिट एंड रन को लेकर के कोई विरोध प्रदर्शन होगा, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं। हमारे साथ समय रजनीश मिश्रा जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश जो परिवहन कर्मचारी संघ है उसके प्रवक्ता हैं। आइए जानते हैं कि उनसे उनकी क्या प्लानिंग है। जी आप बताएं कि आप लोग इस समय क्या सोच रहे हैं हिट एंड रन केस को लेकर के। मैम हिट एंड रन कानून को लेकर जो पहले जो हमारा स्टैंड था हम आज भी उसी पर कायम हैं। हमने आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपनी गुहार लगाई थी और आदरणीय गृह मंत्री जी से भी और केंद्रीय भूतल परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी जी से भी गुहार लगाई थी इस कानून को वापस किया जाए। तो जैसा कि मैंने बयानों में सुना था गृह सचिव अजय श्री भल्ला जी ने उसको निरस्त कहा कि इसको हम तब तक तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हैं। मेरी मांग आपके चैनल के माध्यम से ये है कि जब तक सभी ट्रेड यूनियन से ट्रांसपोर्टरों से बात न कर लें सरकार बुलाए, जैसे सबसे बड़ा संगठन जो ट्रांसपोर्ट का संगठन है वो है भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ है, इन सभी संगठनों से बुलाएं और इनसे बात करें, चालक संवर्ग से बात करें। बात करने के बाद ही इस कानून में जो संशोधन सरकार कर रहा है किनके हितों के लिए, जो चालकों के हितों के लिए कार्य करना चाहती है केंद्र सरकार उसमें करने करेगी। तो मेरी मांग है कि पुराना कानून ही प्रभावी रहे और लागू न किया जाए। फिलहाल हम सभी लोग जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारा चूँकि लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अयोध्या धाम हमारे बगल में है, हम उसकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है, एक उत्सव का माहौल है पूरे प्रदेश में। परिवहन निगम का कर्मचारी भी उस उत्सव में शामिल है, सब लोग लगे हुए हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आमिर जावेद जी हैं, इनके नेतृत्व में हमने सभी काउंटर हर बस स्टेशन पर हम काउंटर खोल रहे हैं, 20 तारीख से हमारे काउंटर खुल जाएंगे। सबकी ड्यूटी लगा दी गई है सभी कर्मचारी साथियों की कि जो हमारे बाहर से भी तीर्थयात्री देश से आएंगे लखनऊ आने वाले हैं और या प्रदेश के जो लखनऊ होकर अयोध्या जाने वाले जितने भी हमारे श्रद्धालु होंगे उनके सेवा के लिए जो भी होगा चाय पानी की जो व्यवस्था होगी उनको जाने के लिए बसों की व्यवस्था मुहैया कराने का काम उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का सारा कर्मचारी हम अपनी पूर्ण तत्पर 22 तारीख के लिए लगे हुए हैं। 22 तारीख के बाद में मैम जब सरकार खाली होगी उसके बाद संगठनों से वार्ता के बाद जो भी निर्णय होगा उसके लिए हम आगे आपको सूचित कर देंगे। पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर है, इसके बाद ही कोई आंदोलन या किसी प्रकार की बात होगी अभी कोई मैम बात नहीं है। और जो अफवाह फैली है इस पर कोई प्रदेश के मैं सभी चालकों से अनुरोध कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसी प्रकार का कोई ध्यान न दें, पहले भगवान उसके बाद काम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना ये थे रजनीश मिश्रा जी जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन जो कर्मचारी संघ है उसके प्रवक्ता हैं और बता रहे थे कि फिलहाल अब बस चालक लग गए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में और उसी में वे बिजी रहेंगे और इसके बाद जब कानून जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी अयोध्या में उसके बाद कानून को लेकर के वार्तालाप करेंगे और विचार विमर्श करेंगे, जैसा भी आगे होगा उसकी रणनीति बनाएंगे। तब तक जुड़िए मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।